क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है? तो बेटा एनी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। मैं इसका सेकेंड फॉर्म लिख रहा हूं, अगर और बात करें अपन, सर इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। इसको लिखने का सेकंड तरीका है जो आपको काम आने वाला है, बहुत ध्यान सुनिएगा। सर थर्ड फॉर्म इसको लिखने का क्या होता है? इसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। जब इसको आप ओपन करोगे तो वापस ये बन जाएगा बेटा अल्फा और बीटा को, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ रूट, सम ऑफ व्हाट रूट्स, और यहां पे इसको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर अपन ढंग से बात करें तो दिस इज सम ऑफ रूट्स एंड दिस इज व्हाट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो क्या इतना हमको जानना जरूरी है? हाँ, हमको एक बात और जानना जरूरी है कि अल्फा और बीटा के नाम, अल्फा और बीटा को रूट्स भी बोलते हैं, सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं और जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल भी बोलते हैं। तो अगर आपको मैं बोलूं तो अल्फा बीटा क्या है? रूट्स भी हैं, सॉल्यूशन भी हैं और जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल भी हैं। सर इसी से कुछ बातें समझ में आती हैं कि सर और क्या कंसेप्ट चल रहा है। थोड़ा कंसेप्ट वाइज तो ये बात है कि कोई भी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, तो उसका सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय होगा और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय होगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय होगा और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय होगा। लेट अस सॉल्व वन एग्जांपल ऑन दिस। अगर अपन बात करें तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका बेटा a कितना हो गया 2, इसका b कितना हो गया 3 और इसका c कितना हो गया 1। इसका a 2 हो गया, b 3 हो गया और c कितना हो गया आपके पास 1। अब सर सॉल्व करते हैं ढंग से कि अपन चेक करें कि अल्फा प्लस बीटा, पहला तो अल्फा प्लस बीटा बाय द फॉर्मूला माइनस बी बाय द फॉर्मूला माइनस बी बाय, तो ये आना चाहिए माइनस थ्री बाय टू और अल्फा बीटा बाय द फॉर्मूला आना चाहिए वन बाय टू। बाय द फॉर्मूला क्या आना चाहिए? वन बाय टू। बोलो फिर और तो नहीं आता। अब अगर मैं तुमसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात करूं, अगर मैं तुमसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात करूं तो सर सॉल्व कैसे करेंगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन को? अगर मैं बोलूं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 को सॉल्व कर रहा हूं तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इस 3 को हम दो हिस्सों में ऐसे तोड़ेंगे जैसे 2 इंटू 1 आ जाए। 2 इंटू 1 कितना होता है 2, तो उसको हम थोड़े बेटा तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू कितना 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू कितना बेटा 0। अब अगर अपन यहां से कुछ कॉमन लें 2x तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा बेटा x प्लस 1, और अगर यहां से 1 कॉमन लें तो अपने पास ब्रैकेट में कितना आ जाएगा x प्लस 1। आई होप अब यहां पे x प्लस 1 कॉमन है तो अगर अपन x प्लस 1 कॉमन ले लें तो यहां से कितना बचेगा बेटा 2x और यहां पे कितना बचेगा 1 इक्वल टू व्हाट 0। अब अगर मैं बात करूं तो बेटा अलग अलग को दोनों को जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा, तो अगर x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो बताओ x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 1 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 माइनस, तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 1, x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1 बाय 2। तो आई होप वी आर वेरी मच क्लियर कि हमारा अल्फा कितना आया बेटा इस क्वेश्चन के हिसाब से। अल्फा हमारे पास आया है माइनस 1 और बीटा हमारे पास आया है माइनस 1 बाय 2। सो लेट अस चेक अगर मैं तुमको बोलूं अल्फा की जगह पे मैं माइनस 1 पुट करूं और बीटा की जगह पे मैं माइनस 1 बाय 2 पुट करूं तो क्या माइनस 3 बाय 2 आ रहा है क्या? जरा एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 1 अपॉन में 2, क्या इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 2 आ रहा है? यस, माइनस 3 बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 2, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। यहां भी चेक करना पड़ेगा, तो यहां पे चेक क्या करना पड़ेगा? अब अपन ढंग से देखें बेटा, तो अल्फा कितना है माइनस 1 और बीटा कितना है माइनस 1 बाय 2, तो क्या माइनस 1 इंटू माइनस 1 बाय 2 कितना आ गया 1 बाय 2, क्या 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय 2 आ रहा है? हाँ, तो सर ये फॉर्मूला टैली होता है। लेकिन कुछ और क्वेश्चन अगर आप करा पाओ या कुछ हम कर पाए तो अगर मैं तुमको एक और क्वेश्चन दूं, मेरे पास जरा सा क्वेश्चन है कि अगर मैं तुमको बोलूं 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू कितना 0,
2x2 + 7x + 6 = 0। अब स्टेप वन, इसका a कितना है बेटा 2, b कितना है राजा 7 और c कितना है 6। एज पर द फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय एन, मतलब माइनस ऑफ 7/2 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय, मतलब 6/2 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 3। अब अगर इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लेंगे तो 2x2 + 7x + 6 को अगर ढंग से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है तो बेटा यहाँ पे करके देखते हैं 2x2 + 7x + 6 इक्वल टू कितना 0। 2 × 6 कितना होगा 12। तो 7 को कुछ ऐसे तोड़ना है कि क्या आ जाए 12। तो बेटा 7 के दो हिस्से कैसे करेंगे, मेरे ख्याल से आपको ध्यान में आ रहा है 4x + 3x + 6 = 0। अगर यहां से अगर आप देखो तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है 2x, बताओ ब्रैकेट में कितना आ जाएगा x + 2। क्या इधर कुछ कॉमन है बेटा, हाँ बेटा 3, तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा x + 2। तो जितना मैं समझ पा रहा हूं, अब अगर अपन x + 2 को कॉमन ले लें तो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2x + 3 = 0। तो बेटा इसका x + 2 या तो फिर इक्वल टू 0 होगा या फिर 2x + 3 = what होगा 0। तो यहां से मेरे ख्याल से x इक्वल टू कितना आ गया -2, मतलब अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया -2 और शायद यहां पे x इक्वल टू आ जाएगा -3/2। तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया -3/2। लेट अस पुट अल्फा की जगह पुट करते हैं अपन -2 और बीटा की जगह अपन पुट करते हैं -3/2। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बेटा -4 - 3/2 कितना 2, तो ये कितना हो गया -7/2। तो ये -7/2 इज इक्वल टू -7/2 बोल सकते हैं। हाँ बेटा कोई चिंता की बात नहीं। अब अगर अपन आगे बात करें तो मेरे पास तो कुछ अल्फा की जगह पुट करूंगा कितना -2 और बीटा की जगह पुट करूंगा -3/2। अगर ढंग से देखें तो 2 से 2 क्या हो जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना गया 3। हमको चाहिए भी कितना था 3। क्या हमारा आंसर टैली हो रहा है? हाँ। तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दी फॉर्म कौन कौन सी होती है? ax2 + bx + c = 0, x - α x - β = 0, x²−α β x + α β = 0। सर इसका यूज क्या होता है कहीं और? सर कभी आपको क्वेश्चन से किसी इक्वेशन के रूट्स गिवन हो बेटा, आपको बोला है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वेश्चन आया है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 4 and -5 रिस्पेक्टिवली, 4 and -5 मतलब गिवन है, रूट्स गिवन है ऑलरेडी। इसका मतलब शायद 4 is α and β = -5। क्या इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है? हाँ बेटा, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो अपन थर्ड वाली इक्वेशन यूज करेंगे, जहां पर लिखेंगे x²−α + β x + α β = 0। तो x²−α कितना बेटा 4 - 5 × x + 4 - 5। इससे हमारे पास क्या हो गया, x² ये हो गया -1 - -+1x + 5 × 4 - 20 = 0। दिस इज द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बननी चाहिए थी। बोलो कोई डाउट तो नहीं आता सर? और क्या बातें हैं बेटा? और अब कंसेप्ट आता है सेकंड वाला आपके लिए बेटा, कि यहां से मैं आपको कंसेप्ट में ले जाऊंगा कि अगर हमको कंसेप्ट निकालना हो कि ax² + bx + c नाम की कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको क्या सॉल्व करने का और भी कोई तरीका होता है इसके रूट्स निकालने का? हाँ बेटा, एक और फॉर्मूला होता है जिसको अपन बोलते हैं SD फॉर्मूला। SD फॉर्मूले में सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है D। D का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट और D का मतलब होता है b² - 4ac। अगर मैं तुमको कोई क्वेश्चन लेके करवाऊं, अगर मैं तुमको बताऊं 3x² - 5x + 2 = कितना 0। 3x² - 5x + 2 = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर आपको उसके रूट्स निकालने हैं। और अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आती है, अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आती है तो विल स्टार्ट विद लाइक दिस, डी इज इक्वल टू, बताओ ए कितना तुम्हारे पास क्वेश्चन में, सर ए इक्वल टू 3 है, बी इज इक्वल टू -5 है और सी इज इक्वल टू 2 है। ए कितना तुम्हारे पास 3,
बी कितना है माइनस फाइव और सी कितना था हमारे पास टू, तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ उसके हिसाब से डी इज इक्वल टू कितना, तो बस बी कितना है माइनस फाइव का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए कितना था हमारे पास थ्री और सी कितना था हमारे पास टू, तो 25 माइनस 24 इज इक्वल टू कितना गया हमारे पास। किस्मत अच्छी है आपका डी बना गया है, क्योंकि इसकी सेकंड स्टेप होती है आपको निकालना था रूट डी, तो रूट डी इज इक्वल टू रूट वन इज इक्वल टू कितना वन। अब सर रूट्स कैसे निकलेंगे मेन आंसर, तो बड़ा मेन आंसर तो हमेशा अल्फा और बीटा होते हैं, तो ऐसे केस में अल्फा का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में टू है, और बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में टू है, माइनस बी प्लस रूट डी बाय टू है, माइनस बी माइनस रूट डी बाय टू है। अगर मैं तेरे को ढंग से बताऊं तो अपना बी कितना था माइनस फाइव, तो माइनस ऑफ कितना हो जाएगा माइनस फाइव प्लस रूट डी वन अपॉन में टू ए, ए कितना बेटा थ्री, तो बेटा कितना आ गया फाइव प्लस वन सिक्स बाय सिक्स, इतना करो सिक्स बाय सिक्स, तो तेरा पहला रूट तो क्या है वन। चेक करते हैं, चेक करेंगे और बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस फाइव माइनस वन अपॉन में टू इंटू थ्री, तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ पांच माइनस एक चार बाय छः, तो तुम्हारा बीटा आ गया टू बाय थ्री, तुम्हारा अल्फा आया है बेटा वन और बीटा कितना आया है टू बाय थ्री। सर प्रूफ करके दिखाओ बेटा, फिर ये देख ले कि अगर तुम्हारे पास थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो इक्वेशन है, तो थ्री टू जा कितना होता है सिक्स, देखो दो हिस्सों में ऐसे तोड़ना है कि आ जाए सिक्स, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू इक्वल टू, बेटा मैंने माइनस फाइव को माइनस थ्री और माइनस टू में जोड़ दिया, तो इससे तो बस थ्री एक्स को अपन ने क्या लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में कितना गया बस एक्स माइनस वन, मैंने माइनस टू को क्या लिया कॉमन ब्रैकेट में कितना गया एक्स माइनस वन, अब मेरे पास हो गया थ्री एक्स माइनस टू और एक्स माइनस वन। बेटा खुद देख, अगर अपन थ्री एक्स माइनस टू को इक्वल टू क्या पुट करेंगे जीरो, तो तेरा एक्स कितना आ जाएगा टू बाय थ्री और यहाँ का एक्स कितना आ जाएगा वन। Am I very much clear? तो क्या अपना यहाँ से वही आ रहा था? हाँ। तो सर हमने तो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तार तार खोल के पढ़ लिया। हाँ बेटा, तार तार खोल के पढ़ लिया कि ऐसी इक्वेशन होती है, ऐसी इक्वेशन होती है, ऐसी इक्वेशन होती है, तीन प्रकार की इक्वेशन होती है। उसके बाद अपने पर ने डी का कंसेप्ट पढ़ा। सर डी के बारे में कुछ और बताना चाहूंगी? हाँ बेटा, डी के बारे में ये बोलना चाहूंगा कि ध्यान से देख, अगर कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के हिसाब की, तो इसके पहली बात तो बस डी का फॉर्मूला क्या होता है डी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। जब डी बेटा इक्वल टू जीरो होगा तो दोनों रूट्स अल्फा और बीटा हमेशा कहेंगे इक्वल, द रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर व्हाट इक्वल। जब डी ग्रेटर देन जीरो होता है तो बेटा रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल मतलब एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा बीटा, यहाँ पे अल्फा और बीटा इक्वल तो नहीं होंगे बट रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बेटा डी कभी लेस देन जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या आता है रूट्स आर इमेजिनरी या रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। सर ऐसा क्यों डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा क्यों डज नॉट एग्जिस्ट? तो एक बात ध्यान रखना, अगर डी नेगेटिव आ गया मतलब रूट के अंदर माइनस माइनस फाइव माइनस सिक्स रूट के अंदर नेगेटिव चल ही नहीं पाएगा, तो कहने का मतलब रूट्स आर इमेजिनरी, तो डी इक्वल टू जीरो चलेगा, रूट्स आर रियल चलेंगे। इसी पे क्या के की क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, क्या होता है आपको कोई भी इक्वेशन देते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव प्लस के इक्वल टू जीरो, फाइंड के इफ रूट्स आर इक्वल। जैसे ही उसने बोला रूट्स आर इक्वल, मेरे दिल में घंटी बजी यार रूट्स इक्वल है, इसका मतलब क्या डी इज इक्वल टू बी कितना है, बी कितना अपने पास फोर का स्क्वायर माइनस, मैं डी का फॉर्मूला क्या बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू कितना होना चाहिए जीरो। क्यों? क्यों डी क्या है रूट्स क्या है इक्वल, जैसे रूट्स इक्वल है, जैसे रूट्स क्या है इक्वल, तो डी इक्वल टू क्या होना चाहिए जीरो, तो मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होना चाहिए जीरो, कोई डाउट तो नहीं आता। तो इसका मतलब अपन क्या बात कर पाएंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया तुम बस फोर ए सी, मतलब बी का स्क्वायर क्या है फोर का स्क्वायर हाँ के ना इज इक्वल टू फोर, ए कितना है बस थ्री थ्री और सी कितना है बस के, सी का बस कितना है के। अगर मैं तुमको ढंग से बताऊं तो बताए यहाँ पे कितना एक फोर से एक फोर से कैंसिल, फोर इज इक्वल टू थ्री के,
तो k इज इक्वल टू कितना होगा 4/3। आग लगाते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विद दिस, आप कर सकते हो।